Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यह चैप्टर जो है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, यह स्थिर वैद्युतिकी का एक भाग है। स्थिर वैद्युतिकी का एक भाग है। तो हमको विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र से पहले हमको समझना पड़ेगा स्थिर विद्युत की है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स होता है आवेश, और स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर। ठीक, अब परिभाषा देखते हैं। मतलब ऐसा विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वही जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। देखते हैं हम लोग परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब पढ़ेंगे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र।
विद्युत आवेश। एक ऐसी ऊर्जा जो किसी वस्तु में आ जाने पर वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है विद्युत आवेश। कहलाता है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? एक ऐसी ऊर्जा जो किसी वस्तु में आ जाने पर वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। और क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई गुना टी, यानी कि क्यू यानी कि आवेश, आई तो धारा, गुना टी तो समय, यानी कि फॉर्मूला होता है विद्युत आवेश बराबर धारा गुना समय। अब देखिए जहां क्यू आवेश और आवेश जो होता है कूलम में रहता है, आई धारा और धारा के अंत में रहता है एम्पियर, टी समय, समय कौन सी में रहता है सेकेंड में, देखिए अब इसके बारे में पॉइंट लिखेंगे। विद्युत आवेश का SI इकाई कूलम्ब, कूलम्ब या कूलम्ब भी पढ़ा जाता है, कूलम्ब सी होती है, यह एक अदिश राशि है। देखिए आपको बता दें जिसके अंतिम में लो गो अनो लगाया हुआ रहता है वह लगभग 90% जो होता है सदिश राशि होती है।
जिसके अंतिम में लो गो नो लगा हुआ रहता है वह 90% तक सदिश राशि होती है, और जिसके अंत में यह नहीं लगा हुआ रहता है उसको अदिश कहते हैं। तो जैसे देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश, तो इसके अंत में ना लो लगा हुआ है ना गो लगा हुआ है ना नो लगा हुआ है, इसलिए यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए अब इस पर क्वेश्चंस देखेंगे। यदि किसी तार से दस कूलम आवेश दो सेकेंड के लिए बहता है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दिया है, क्या दिया है तो 10 कूलम आवेश, और आवेश को जो है हम लोग क्यू द्वारा सूचित करते हैं, तो यानी कि क्यू का मान दे दिया है 10 कूलम, दो सेकंड के लिए बहता है। तो दो सेकंड किसका समय, किसका दो सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का, यानी कि टी का मान दे दिया 2 सेकंड, और हमको कहता है धारा का मान यानी कि आई ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं आवेश बराबर धारा गुने समय, यानी कि क्यू बराबर आई गुना टी। तो देखिए क्यू का मान कितना दे दिया है 10 कूलम, आई निकालना है छोड़ देंगे, समय का मान कितना है 2 से 10 कट जाएगा 5, तो आई का मान कितना निकल गया 5, और धारा कौन सी में होती है एम्पियर में, तो 5 एम्पियर यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र लिखिए। तो देखिए हम क्या जानते हैं क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई गुना टी। देखिए अब यहां जो है धारा आई तथा समय टी जो है मूलभूत राशियां हैं, मूलभूत राशियां हैं, अतः इनकी यूनिट सूत्र में रखने पर मूलभूत राशियां 9 होती है, जो हम लोग 11th में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ धारा और समय जो है टी मूलभूत राशि आता है, इनका यूनिट जो है सूत्र में रखेंगे हम लोग। तो देखिए क्यू
इसको हमेशा बड़ा कोष्टक में लिखा जाता है, विमेय सूत्र को, आई तो एम्पियर और समय तो टी, यानी कि एक पावर वन और टी पावर वन, यही होगा धारा का विमेय सूत्र। अब तीन नंबर क्वेश्चन करेंगे। यदि किसी तार से 20 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है तो आवेश का मान ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या क्या दिया गया है, दिया है 20 एम्पियर की धारा, धारा को कौन सी द्वारा सूचित किया जाता है, आई द्वारा, तो आई का मान दे दिया 20 एम्पियर, 10 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है, तो सेकंड किसका मात्रक है, समय का, यानी कि टी का मान दे दिया हमको 10 सेकंड। हमको कहता है तो आवेश का मान यानी कि क्यू का मान ज्ञात करने के लिए, तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई गुना टी, तो आई का मान 20 और टी का मान 10, तो 20 है 200 और क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलम, यानी कि 200 कूलम आंसर हो जाएगा।